नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे IDBI एग्जीक्यूटिव के प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में। यहाँ पे हम पिछले 3 साल के कट ऑफ को देखेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी एग्जाम होने वाला है 2021 में, लास्ट एग्जाम हुआ था 2019 में। तो 2019 के, 2018 के और 2016-17 में जो एग्जाम हुआ था उसके भी कट ऑफ को हम देखेंगे। तो इस कट ऑफ को देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है 2021 की एग्जाम में, कितना का आपको टारगेट करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले 3 साल में कट ऑफ का ट्रेंड क्या रहा है IDBI एग्जीक्यूटिव का। बहुत ही अच्छा एग्जाम है। यहाँ आप लोगों को पता है कि 3 सेक्शन ही केवल पूछे जाएंगे, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट। केवल सिंगल पेज में एग्जाम होगा, जीके यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम होता है, वैकेंसी कम है। बट अगर आप कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं तो डायरेक्ट आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कोई भी इंटरव्यू नहीं है क्योंकि ग्रुप सी का जॉब है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो अनरिजर्व कैटेगरी था उसका इंग्लिश में 16 नंबर गया था, राउंड फिगर करके मैं बताऊँगा। 16 नंबर गया था, रीजनिंग में 18 नंबर और मैथ्स में 18 नंबर। ठीक है, उसके बाद बाकी सब कैटेगरी का देखिए, EWS, SC, ST, OBC, 10 नंबर इंग्लिश में, 12.5 नंबर रीजनिंग में और 12 नंबर क्वांट में। टोटल देखिए अनरिजर्व कैटेगरी का यहाँ देखिएगा 103, मतलब 104 नंबर मान के चलिए। EWS का 100 नंबर कट ऑफ गया था, OBC का केवल देखिए 88 नंबर कट ऑफ गया, ST का देखिए केवल 78 गया और SC का गया 79, 89 मतलब 90 कट ऑफ गया SC कैटेगरी का। सबसे कम कट ऑफ गया ST कैटेगरी का 77.5। तो देख सकते हैं कट ऑफ दोस्तों बहुत कम गया यहाँ देखने को मिल रहा है। 103 नंबर भी लाया जा सकता है आजकल के एग्जाम में। लगभग 70% आपको स्कोर करना होता है अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। अब देखिएगा IDBI एग्जीक्यूटिव 2018 का, देखिएगा 18 में क्या रहा था ट्रेंड। तो 18 में देखिए अनरिजर्व कैटेगरी था, EWS था नहीं, तो 96.5 मतलब 96-97 नंबर कट ऑफ गया था। UR कैटेगरी का जिसमें 9 नंबर इंग्लिश में चाहिए था, 18 नंबर रीजनिंग में और क्वांट में 11 नंबर चाहिए था। ठीक है, बाकी सब कैटेगरी का आप देख लीजिए, 4 नंबर, 12 नंबर और 7 नंबर। OBC का देखिएगा 92 नंबर, ST का देखिएगा 76 नंबर, 77 नंबर और SC का देखिएगा कितना गया, 86 नंबर। ठीक है, कट ऑफ लगभग आसपास है। EWS के आने के कारण कट ऑफ थोड़ा अप हो गया, हाइयर चला गया UR कैटेगरी का। अब देखिएगा 2016-17 में जो कट ऑफ गया था उसको भी देख लीजिए। 2016-17 में UR कैटेगरी का देखिए 101 नंबर कट ऑफ गया था। ठीक है, UR कैटेगरी 101 नंबर, OBC कैटेगरी देखिएगा 96 नंबर, SC कैटेगरी देखिएगा 80 नंबर और SC कैटेगरी देखिएगा 90 नंबर, यहाँ कट ऑफ गया 150 में से। ठीक है, तो ये कट ऑफ देख सकते हैं। तो ट्रेंड लगभग आप लोगों को पता चल गया होगा कि ट्रेंड एक जैसे है। मतलब आपको ये सोच के चलना है कि आपको अभी अगर क्वालिफाई करना है तो 110 नंबर के आसपास आपको स्कोर करना होगा। कितना मैंने बोला, 110 नंबर के आसपास बिल्कुल सेफ स्कोर होगा। इस स्कोर में आप 100% क्वालिफाई होने वाले UR कैटेगरी से। अगर हम बात करें EWS कैटेगरी के लिए, तो EWS कैटेगरी के लिए मुझे लगता है कि 102 नंबर बिल्कुल सेफ होगा। 102 नंबर EWS कैटेगरी के लिए लेके आएंगे तो आप बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बाकी सब कैटेगरी का लगभग ऐसे ही कटअप देखने को मिलेगा जैसा कि आपको लास्ट ईयर कटअप देखने को मिला था। बाकी सब कैटेगरी में मान लीजिए कि OBC कैटेगरी का 95 चला जाएगा, SC का, ST का चला जाएगा 80 नंबर और SC का चला जाएगा 92 नंबर के आसपास, 90-92 नंबर के आसपास होगा। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा, बट EWS और जनरल के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलने वाला है। तो कट ऑफ यही था दोस्तों, इस हिसाब से आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि बहुत ही अच्छा एग्जाम है और यहाँ पे आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं। अगर आप अपने पजल और DI को अच्छा कर लेते हैं तो यहाँ पे अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पजल और DI बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं बता देता हूँ कि कम से कम 25 नंबर का पजल देखने को मिलेगा, पजल और सेटिंग अरेंजमेंट, और DI भी लगभग 25 से 30 नंबर का देखने को मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्वांट पूछा जा रहा है ना कि न्यूमेरिकल एबिलिटी है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।